जय बाबा की, जय करौली सरकार की। दोस्तों, आज अमावस्या का दिन है, 14 दिसंबर 2020 आज अमावस्या है। तो दरबार में भीड़ भी दिखाऊंगी और छोटी मोटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आप लोग दरबार में आओ तो आप लोग को इजीली सब पता चले, तो वो भी दिखाऊंगी। और बाकी दरबार के जो कार्यक्रम है वो सब दिखाऊंगी, और दरबार में जो अभी चल रहा है आज के दिन, तो वो सब दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसमें बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगी, ताकि जब दरबार कभी भी आओगे पहली बार या कभी भी आओगे, तो आप लोग को थोड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। जय बाबा की। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन टोकन के लिए लोग लगाए हुए हैं। तो जब भी आप दरबार आते हैं अमावस्या में, तो आपको भी यहाँ पे लाइन लगानी है। ठीक है, काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन सब सुबह से लगे थे। काफ़ी टोकन लोगों ने ले लिया है, और कुछ लोग अभी लाइन में लगे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी दरबार की दूंगी, कहाँ पे क्या है और अमावस्या में कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सब बताऊंगी। ये सामने आप जो देख रहे हो, ये सब यहाँ पे दरबार के सामने सब स्टॉल लगा के रखे हुए हैं, नाश्ते के लिए, खाने के लिए। तो आप यहाँ पे भी खा सकते हैं, नहीं तो दरबार के अंदर कैंटीन है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको, जो चाहिए सब मिलेगा खाने पीने के लिए। ये लाइन आप देख सकते हो टोकन के लिए। ये कहाँ से आपको एंट्री लेनी है, देखो सामने से आपको आना है। जब आप दरबार आते हो तो मेन गेट से आपको राइट अंदर आ जाना है टोकन के लिए। आप अमावस्या में भी आप आते हो तो टोकन आपको यहाँ से मिलेगा, और वैसे आप किसी भी दिन आते हो गुरुजी से मिलने के लिए, तो आपको यहाँ से टोकन मिलेगा। देखिए सब जा रहे हैं टोकन लेने के लिए जा रहे हैं। और ये दरबार के बाहर का व्यू है, जहाँ पे आपको सारे छोटे मोटे स्टॉल दिख रहे हैं, नाश्ते के लिए सब लगा हुआ है। देखो सब जा रहे टोकन के लिए। ऊपर देख रहे हैं शेड जैसा बना रहे हैं, पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इसको रेडी भी कर देंगे, तो फिर बारिश धूप से भी आप बच पाओगे ठंडी से। ये सारे भक्त आज अमावस्या है ना, तो अमावस्या के लिए सब धीरे 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 आ रहे हैं। सामने जो आप शेड दिख रहे हैं, वो हम सब भक्तों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो दरबार के अंदर शिव सत के दरबार है, वहाँ पे लगभग 10,000 पब्लिक आ जाती है, लेकिन वहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव ने बाहर भी रेडी करवाया है हम सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी हम रह सकते हैं, रुक सकते हैं, जो लोग नमन करते हैं वो भी यहाँ पे आराम से आप सब कर सकते हैं, रहना खाना पीना सब रहेगा। ये दरबार का मेन गेट है, ठीक है। यहाँ से हमें अंदर टोकन के लिए जाना है, ठीक है। अंदर से अभी मैं आ रही हूँ, तो अब आपको दरबार के अंदर लेके जाऊँगा। ये हम दरबार के अंदर एंटर कर गए हैं, आप देख सकते हो दरबार का व्यू कैसा है, कितना अच्छा दिख रहा है, दिव्य भव्य एकदम। ये सामने पूज्य श्री गुरुदेव जी रहते हैं, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। सामने से आपको अब अंदर लेके चलूंगी। ये काउंटर नंबर 1 जो दिख रहा है, यहाँ से आपको किट मिल जाएगी, ठीक है। साथ बगल में काउंटर नंबर 2 है, यहाँ पे आपको अर्जी बंधन मिल जाएगा, और उसके बगल में काउंटर नंबर 3 है, जहाँ पे आपको रूम्स मिलेंगे, रूम के लिए आपको बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको काउंटर नंबर 4 सामने देखने को मिलेगा राइट साइड में, उसके काउंटर नंबर 4 पे आपको यंत्र मिलेगा। ये जो
बाबा जी का दरबार सब भक्त अमावस्या के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे। अमावस्या का हवन यहाँ पे ही होता है, तो जब भी आप दरबार आते हैं शिव शक्ति यानी जो बड़ा दरबार है वहाँ पे हवन नहीं होता है, वहाँ पे आपकी ईश्वर चिकित्सा होती है और आपके पूर्वज मुक्त वहाँ पे किए जाते हैं, लेकिन हवन जो होता है ये बाबा जी के दरबार में होता है। ठीक है, तो ये सारे भक्त हवन अटेंड करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अमावस्या 14 दिसंबर को थी, मैं एक दो दिन बाद ही वीडियो शूट मैंने उसी दिन कर लिया था, लेकिन अभी अपलोड थोड़ा लेट कर रही हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है इसके लिए। आप चलो, आप लोगों को देखो, ये भक्त हैं, मत्था टेक रहे हैं बाबा के दरवाजे पे। अब आपको लेके चलेंगे हम शिव शक्ति दरबार में, वहाँ पे भी आप देखेंगे गुरु जी सुबह से ही ईश्वर चिकित्सा में लगे हुए हैं। जो सामने आप देख रहे हो ये भगवान भोलेनाथ मतलब शिव परिवार का एक बड़ा सा मूर्ति रेडी हो रहा है, प्रतिमा रेडी हो रही है। यहाँ से हमें शिव शक्ति दरबार का जो मेन गेट है यहाँ से हमें जाना है। अब यहाँ से जो एक कार खड़ी है, कार के राइट साइड मतलब कार के साइड से आप जाएंगे तो पूजनीय गुरु माता जी का मंदिर है। हाँ, इस साइड माता जी का मंदिर है। ठीक है, फिर इसके जस्ट बगल में सामने ही ये जो पेड़ दिख रहा है, जो सामने की दो गेट दिख रहा है, ये शनि मंदिर है। ये बाबा जी का शिव शक्ति दरबार है। अब हम अंदर चलेंगे शिव शक्ति दरबार में। ये शिव शक्ति दरबार में हम जा रहे हैं। यहाँ की भीड़ आप देखोगे, आज हम अमावस्या के दिन यहाँ पे कितनी भीड़ होती है, और सुबह से गुरु जी ईश्वर चिकित्सा कर रहे हैं। मैं आपको दूर से सब कुछ दिखाऊंगी, बाहर से कितना विशाल है दरबार। बाहर जा रहे हैं, बाहर जाएंगे लेफ्ट साइड। यहाँ पे आप देखोगे सामने जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग जैसा, ये रूम है और डोरमेट्री है। यहाँ पे आपको रूम भी मिलेगा, डोरमेट्री भी है। शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपाल अगहारी अवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी।
अब हम चलेंगे माता के मंदिर में, पूजनीय माता जी के मंदिर में चलेंगे। अब पूजनीय गुरु माता जी के दरबार में आए हैं मंदिर में। देखो आज अमावस्या और अमावस के दिन आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी हवन कुंड आपको दिख नहीं रहा है, मतलब अमावस के दिन हवन नहीं होता है। यहाँ पे ये सब जो लोग खड़े हैं ये सब माँ के मंदिर के सामने त्रिशूल लगा है और त्रिशूल को पकड़ने के लिए पकड़ के अपनी समस्याएं माँ को बताएंगे और जो भी इच्छाएँ हैं जो भी मनोकामना है सब त्रिशूल पकड़ के कहते हैं और वो पूरा होता है। हम देख सकते हैं ये हवन कुंड माँ के मंदिर के पास में ही है, जस्ट बगल में हवन कुंड है ये। अब हम चलते हैं बाहर, थोड़ा बाहर का भी आपको थोड़ा कैंटीन दिखाती हूँ, दरबार का कैंटीन। जो देख रहे हैं यहाँ पे बर्तन साफ करते हैं, उसके बगल में यहाँ पीने का पानी है। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुदेव जस्ट बगल में बैठे हैं, उनकी चिकित्सा चल रही है और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये कैंटीन है दरबार का, थोड़ा मैं अंदर लेके जाकर दिखाती हूँ।
आपको पूरा दरबार दिखा दिया। जय बाबा हरि। शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी धाति धा तिरगड़ धा घड़ान तिट गदिगे न धा कड़ान तिट गदिगे न धाति के न धाति के न कड़ान धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धाति धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धाति धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धाति धा।